दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगले महीने दीपावली है। दीपावली मां लक्ष्मी की पूजा होती है। बाजार में चकाचौंध रहती है। जो व्यापारी होता है वो लगातार नोट गिनता है। बाजार में भीड़ में लोग लगातार खरीदारी करते हैं। और भारत एक ऐसा देश है जहां दीपावली के मौके पर हर बरस या बरसों बरस से चकाचौंध के साथ खरीद फरोख्त खूब होती रही है। लेकिन इस बार दीपावली के मौके पर अगर भारत ही बिक जाए तो आप क्या करेंगे? जी, भारत या इंडिया, जो शब्द लेना है ले लीजिए। लेकिन दीपावली के मौके पर पैसा हर किसी को चाहिए, और अगर सरकारी खजाना खाली है तो फिर पैसा सरकार को भी चाहिए। तो सरकार तैयारी कर रही है कि दीपावली तक किसी भी हालत में इस देश के भीतर में बड़े बड़े संस्थानों को कौड़ियों के मोल बेच दिया जाए। तारीख भी एक लिहाज से तय कर ली गई है, 16 नवंबर। तब तक चीजें अनुकूल हो जानी चाहिए, माल बिक जाना चाहिए, और जो माल बिकेगा बाजार में उस माल के साथ शब्द या तो भारत जुड़ा होगा या फिर इंडिया जुड़ा होगा। और उसे जब बनाया गया था भारत के भीतर में, तब भारत धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। भारत स्वावलंबी हो रहा था। भारत अपनी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ा रहा था। यहां बड़ी तादाद में रोजगार दिए जा रहे थे, क्योंकि जो सार्वजनिक संस्थान इस देश के भीतर में खड़े हो रहे थे या जिन संस्थानों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था, उसके पीछे मंशा एक ही थी, भारत मजबूत हो। भारत अपनी ताकत, अपने उत्पादन, अपने उद्योग और अपने मजदूरों के साथ खड़ा हुआ हमेशा नजर आए। लेकिन इस दीपावली के मौके पर, दीपावली 14 नवंबर को है और 16 नवंबर तय की गई है कुछ ऐसे पीएसयूज को बेचने की तारीख, जिसके जरिए जो कीमत लगाई जा रही है वो कीमत जब हम आपको बतलाएंगे और उस पीएसयू की कीमत जब बताएंगे तो आपके जहन में यह सवाल होगा, इतने पैसे हमारे पास होते तो हम भी इसे खरीद लेते, फिर सरकार इसे बेचना क्यों चाहती है? जी, दीपावली का मौका है, सरकार को पैसे चाहिए। और स्थिति सिर्फ पीएसयू को बेचने तक की नहीं है, बल्कि स्थिति यह है कि जो भी जमीन, चाहे वो रेलवे की जमीन हो, चाहे वो डिफेंस की जमीन हो, चाहे वो बीएसएनएल की जमीन हो, उन जमीनों को भी मोनेटाइज कर दीजिए, यानी उसकी भी कीमत बाजार में लगा दीजिए और उसके जरिए पूंजी को आप उठा लीजिए। कितनी जमीन है जो बेची जाएगी, कितनी जमीन है जो बेचने के रास्ते पर चल पड़ी है, तैयारी हो चली है। इतना ही नहीं, जो बकायदा आपका पीएफ फंड का पैसा होता है, जो तकरीबन 10 लाख करोड़ का भी है, उसे भी बाजार में किस तरीके से डाला जाए जिसके जरिए कुछ कमाई हो सके। कमाई कैसे होगी, यह किसी रहस्य की तरह है, यह किसी चक्रव्यूह की तरह है, यह देश के डूबने की कहानी है, यह शायद काली अंधेरी दीपावली की एक आहट है। तो आइए जरा एक सिलसिला शुरू करते हैं और आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि दरअसल इस दीपावली में भारत कैसे बिकेगा, किस रूप में बिकेगा, खरीदार कौन होगा। जो खास तौर से दीपम है, दीपम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया भारत सरकार के जरिए, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। उसने तारीख तय की कि किसी भी हालत में बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉनकॉर यानी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें इंडिया शब्द आ गया, शिपिंग कॉरपोरेशन यानी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, BEML का मतलब है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, यानी भारत और इंडिया देखिए एक साथ चल रहा है, और इसके पैरेलल में एक नाम एयर इंडिया का भी जोड़ दीजिए। इसलिए जोड़ दीजिए क्योंकि उसकी भी तारीख हालांकि दिसंबर तय की गई है, लेकिन नवंबर में कुछ ऐसी रियायतों का ऐलान हो रहा है जिसके जरिए जितनी कीमत एयर इंडिया की होनी चाहिए उसका एक तिहाई पैसा भी देकर आप एयर इंडिया को खरीद सकते हैं, क्योंकि उसको चलाने की कुवत अब इस देश की सरकार में नहीं है। जितना पैसा देना पड़ता है उतना पैसा देने की स्थिति में नहीं है। तो आइए सिलसिला जरा शुरू करते हैं, लेकिन सिलसिले की शुरुआत में कुछ चीजों की जानकारी और दे दें। सरकार जब मोनेटाइज करने जा रही है हर चीज को और बेचना चाहती है, तो उसमें रेलवे की जमीन भी है। रेलवे के पास कुल जमीन जो है लगभग 11,80,000 एकड़ है। इसमें से ऑपरेशनल जमीन बड़ी तादाद में है, वो तकरीबन 10 लाख के लगभग 9-10 लाख के बीच में ऑपरेशनल जमीन है, लेकिन 1,51,000 एकड़ जमीन खाली पड़ी है। सरकार उसे बेचना चाहती है, उसको मोनेटाइज करना चाहती है, बाजार से बेचकर उसकी कीमत वसूलना चाहती है, सरकार को पैसा चाहिए। इतना ही नहीं, डिफेंस के पास भी जमीन है। डिफेंस के पास जितनी जमीन है वो तकरीबन 17.95 लाख एकड़ है। इसमें से 1.6 लाख एकड़ में 62 कैंटोनमेंट सेना के देशभर में चलते हैं, और इसके पास जो कैंटोनमेंट के बाहर का जो एरिया है वह लगभग 16,53,000 एकड़ जमीन। जी, इतनी जमीन आउटसाइड बाउंड्रीज के पास पड़ती है जो कि कैंटोनमेंट के बाहर का। इस जमीन को भी कैसे मोनेटाइज किया जाए, इस जमीन पर कौन खरीदेगा, कौन सी योजना बनेगी, कैसे बनेगी, यह बात की बात है। लेकिन इस जमीन को एक पीपीपी मॉडल के जरिए सरकार चाहती है कुछ योजनाओं को दे दिया जाए। जो सड़कें बनेंगी उसमें टोल वसूला जाए, जिन्हें सड़क बनवाना है वो जमीन ले ले और सड़क बनाना शुरू कर दे। हवाई अड्डे के दायरे में आएगी तो फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी उस जमीन को ले ले, उसकी एवज में पैसा दे,
यह एक प्लानिंग है और इसके जरिए बीएसएनएल खास तौर से उसका जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि बीएसएनएल के पास जो टोटल प्रॉपर्टी है वो तकरीबन 24,980 करोड़ की है। यह निशानदेही इसकी की जा चुकी है, अब इसको बेचना है। इन स्थितियों में अलग अलग टेंडर निकाला जा रहा है, अलग अलग तरीके से तीन स्थिति हो रही है। एक तो पीपीपी मॉडल है, दूसरा ज्वाइंट वेंचर के तहत स्टेट गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व किया जाएगा और पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस जिनको जमीन चाहिए उनको वो दे दिया जाएगा, उसकी एवज में उस जगह से पैसा ले लिया जाएगा। यह एक प्लानिंग है, इस प्लानिंग के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है। इसलिए ऐसा नहीं है कि यह प्लानिंग सिर्फ जमीन बेचने भर की सोच भर की है, ऐसा नहीं है। दीपावली का मौका है, सेल लग रही है, जिसे जो खरीदना है खरीदे। और इस खरीदने के दायरे में जब हम भारत पेट्रोलियम का जिक्र करते हैं तो उसको 16 नवंबर तक की तारीख 39,460 करोड़ रुपए तय की गई है। आप कहेंगे बड़ी कीमत है या कम कीमत है, यह तो बताइए। हम यह नहीं बतलाएंगे इसकी ज्यादा कीमत है या कम कीमत है, लेकिन दो तीन जानकारियां दे दें। बीपीसीएल ऐसी कंपनी है जो फोर्ब्स लिस्ट में भी आती है, जो मुनाफा देने वाली कंपनी है, फिर भी इसको बेचने की तारीख 16 नवंबर तय कर दी गई है। लेकिन बीपीसीएल का मतलब क्या, इसके पास जो टोटल एसेट है दिया जा रहा है 39,460 करोड़, लेकिन इसके पास जो एसेट्स हैं अपने आज की तारीख में वह तकरीबन 1,50,863 करोड़, 1,50,863 करोड़ का एसेट इसके पास है। इसकी जो टोटल इक्विटी है वो लगभग 36,532 करोड़ की है, लेकिन इसकी जो रेवेन्यू है वो तकरीबन 2,86,501 करोड़ की है। ये रेवेन्यू है, लेकिन बेचा कितने में जा रहा है, 39,460 करोड़। तारीख दीपावली के दो दिन बाद की तय कर ली गई है, इस मौके पर बोली लगेगी, सेल है, जिसे खरीदना है खरीद ले। यहां काम बड़ी तादाद में लोग करते हैं, उनके दिल की धड़कने बड़ी हुई है। बीपीसीएल जब सरकार प्राइवेट हाथों में बेच देगी, क्योंकि सरकार के पास अभी 52.98% स्टेक है जिसे वो बेचने जा रही है। 1976 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, ये बड़ी पुरानी कंपनी है, 19वीं सदी की कंपनी है, वो तब से चली आ रही है अलग अलग मार्फतों में, अंग्रेजों के दौर की ये कंपनी है, उस दौर से चलती आई। और 1976 में इंदिरा गांधी ने इसका नेशनलाइजेशन किया था, अब ये पूरी तरह बेचने को तैयार है, दीपावली का मौका है, बेच डालिए। यहां पर जो इंप्लॉइज है वो 12,157 इंप्लॉई है, उनके दिल की धड़कने बढ़ी होंगी, लेकिन सिर्फ इन्हीं की धड़कने क्यों बढ़ी होगी, इसके बाद अगर आप आइएगा इंप्लॉयमेंट के तौर पर तो कॉनकॉर है, कॉनकॉर यानी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो एक लिहाज से रेलवे के साथ जुड़ा हुआ है, उसके लिए भी तारीख 16 नवंबर ही तय की गई है। दीपावली का मौका है, सेल लगी हुई है, 7,000 करोड़ में 30% स्टेक सेल होना है। लेकिन कॉनकॉर की अपनी स्थिति क्या, उसके पास जो टोटल कुल एसेट है वो लगभग 11,566 करोड़ का है, उसकी जो टोटल इक्विटी है वो लगभग 10,000 की इक्विटी है, 10,000 करोड़ की इक्विटी है, जो इसका रेवेन्यू है वो 6,473 करोड़ का रेवेन्यू आता है उससे, और उसको बेचा जा रहा है 7,000 करोड़ में। रेवेन्यू से जब आप मिला रहे, कह रहे कीमत तो मिल गई, तो जनाब जो एसेट्स हैं उसका क्या होगा। और यहां पर काम करने वाले जो इंप्लॉइज हैं, यह 1,464 इंप्लॉई हैं, इनकी धड़कने भी बढ़ी हुई है। और ये सिर्फ परमानेंट इंप्लॉइज का हम जिक्र कर रहे हैं, इन संस्थानों से जुड़े हुए बाकी लोगों का जिक्र नहीं हो रहा है। यहां पर जो परमानेंट है उनकी धड़कने बढ़ी, उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करें। तो सवाल है भारत पेट्रोलियम कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और तीसरा संस्थान शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें भी देखिए इंडिया शब्द है, इसकी भी तारीख 16 नवंबर तय की गई है, और इसमें बेचने की एवज में सरकार को चाहिए 1,543 करोड़ रुपए। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, लेकिन इसकी जो टोटल रेवेन्यू है इससे सरकार को मिलता है वो 4,425 करोड़ का रेवेन्यू ही मिलता है, लेकिन बेच कितने में रहे हैं, 1,543 करोड़ में। इसके पास एसेट कितना है, इसके पास लगभग 13,722 करोड़ का एसेट है, लेकिन बेचा जा रहा है शिपिंग कॉरपोरेशन को लगभग 1,500 करोड़ में। इसकी जो टोटल इक्विटी है वो लगभग 7,298 करोड़ की है। यहां पर भी 675 लोग परमानेंट हैं जो काम करते हैं, उनकी दिल की धड़कने भी बढ़ी हुई है। और सरकार के पास लगभग 63-64% स्टेक्स है, जिसको वो कुछ स्टेक सेल करने वाली है। इसमें एक और है BEML, इसको बोलते हैं बीमेल, अगर ऐसे समझिए तो, और ऐसे समझिए तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसकी कीमत लगाई गई है 720 करोड़, और इसका 28% स्टेक जो है ये सेल किया जा रहा है 720 करोड़ में। लेकिन इसके टोटल एसेट्स कितने हैं, इसके पास टोटल एसेट 5,066 करोड़ के हैं, सेल लगी हुई है, खरीद सकते हैं। रेवेन्यू से कितना आता है, 3,077 करोड़, वे कितने में रहा है, 720 करोड़ में, 28% इसका स्टेक जो है। टोटल इक्विटी जो है ये 2,257 करोड़ की है। और यहां पर जो इंप्लॉइज काम करते हैं, जो परमानेंट है, उनकी भी संख्या लगभग 7,200 के लगभग है। ये सारे जब ऑर्गेनाइजेशन का हम नाम बोल रहे हैं, तो जैसे बीएमएल है, ये 1964 का है,
नेहरू जी ने सोचा था, शास्त्री जी ने इंप्लीमेंट किया, चीजें आगे बढ़ती चले गई, भारत पेट्रोलियम, इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन किया इसका, कॉनकॉर 1988 में इसको लाया गया, रेलवे के साथ कंटेनर को जोड़ा गया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1961 में सोचा गया था, नेहरू जी ने सोचा था, अब के स्थिति में उसकी कोई जरूरत नहीं है। इस देश के खजाने में कितना पैसा है या नहीं है, या सरकार के हाथ में कितनी तंगी है, यह खेल आप एयर इंडिया से समझ लीजिए। एयर इंडिया के ऊपर लगभग 60,000 करोड़ का डेब्ट है, कर्ज है, तो जाहिर है जो इसको बेचना होगा 60,000 करोड़ रुपए चुकाने होंगे, लेकिन इस एयर इंडिया को चलाने में सरकार का जो खर्च हो जाता है वो हर महीने उसको 500 करोड़ रुपए चाहिए। सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं कि 500 करोड़ रुपए भी उसके पास चलाने के लिए एयर इंडिया को नहीं है, तो उसने नया चीज तय किया। उसने कहा दिसंबर तक जो भी व्यक्ति जितना कर्ज है, जो कर्ज है वो 60,000 करोड़ का है, 60,000 करोड़ कर्ज ना दे, एक तिहाई ही दे दे, यानी 20,000 करोड़ ही दे दे और एयर इंडिया ले जाए। सेल लगी हुई है, ले जाइए, आप चुकाते रहिएगा धीरे धीरे, क्योंकि हम तो 500 करोड़ रुपए भी हर महीने देने की स्थिति में नहीं है। ये सारी बातें सुनकर आपके जहन में क्या क्या सवाल आते होंगे, सरकार झूठ बोल रही है, बिहार में इतना रोजगार दे देंगे, यहां इतना पैसा दे देंगे, यहां इतना बांट देंगे। स्थिति यह है कि जिन लोगों को पैसा बैंक फ्रॉड में या अलग अलग माध्यमों से टैक्स में फंसा हुआ है, उनको भी सरकार वापस कर पाने की स्थिति में 15 नवंबर के बाद नहीं होगी। बकायदा कोर्ट ने कुछ ऐसे बड़े लोगों के ऑर्डर किए जिनकी बड़ी बड़ी रकम सरकार के दायरे में फंसी हुई थी कि आप इसको लौटाइए, और स्थिति यह बन रही है कि सरकार के भीतर के चार्टर्ड अकाउंटेंट उन तमाम बिजनेस पर्सन को कह रहे हैं कि जनाब 15 नवंबर के बाद तो स्थिति कुछ नहीं बचेगी, स्थिति नाजुक हो चली है, किसी तरीके से पैसा निकलवा लीजिए। इतना ही नहीं, अब आप कल्पना कीजिए कि 10 लाख करोड़ रुपए जमा रहता है जो पीएफ का पैसा, ईपीएफओ जिसको कहते हैं, अब उस पैसे को सरकार एक पत्ता फेंक रही है कि जिनका पैसा उसमें रहता है हम उसको ज्यादा इंटरेस्ट देंगे, और ज्यादा इंटरेस्ट देने के लिए उस पैसे की जरूरत हमको होगी, हम उसको मार्केट में लगाएंगे। अब आप कल्पना कीजिए, आज की तारीख में लगभग 8% पीएफ पे इंटरेस्ट रेट मिलता है, सरकार कितना देगी, 10% मान लीजिए दे देगी, 10% तभी देगी जब 12% मार्केट में कोई पैसा उठा रहा होगा, या कोई इंडस्ट्री उठा रही होगी, कॉरपोरेट उठा रहा होगा, या कोई भी उठा रहा होगा। दुनिया के भीतर में कोई देश भारत से पैसा उठाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट दुनिया में, चाहे वो जापान हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, 1-2% से ज्यादा इंटरेस्ट कोई लेता नहीं, आपको पैसा देने को तैयार है। जापान तो 0% में आपको कर्ज देने को तैयार है, तो आपका पैसा कौन लेगा, कैसे लेगा? और जो मल्टीनेशनल लेगा वो दुनिया के बाजार से पैसा क्यों नहीं होगा? इसका मतलब है वो पैसा भी सरकार को चाहिए। इसका मतलब है कि दीपावली के मौके पर जो खरीदारी बाजार में नजर आती थी, जो चकाचौंध बाजार में नजर आता था, जो मॉल्स के भीतर में, चकाचौंध में, दुकानों में लोग खरीदारी के लिए टूट पड़ते थे, आज की स्थिति में पैसा किसी की जेब में नहीं है। बड़ी तादाद में अगर रोजगार चला गया, बड़ी तादाद में वेतन में कटौती हो गई, बड़ी तादाद में इंडस्ट्रीज बैठ गई है, बड़ी तादाद में स्टार्टअप्स बैठ चुके हैं, बड़ी तादाद में एमएसएमई को जो क्रिएट करने की दोबारा कोशिश की गई कि हम इतना पैसा दे रहे हैं, कहीं कुछ क्रिएट अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर सरकार को ही पैसा चाहिए। यह इसका एक इंडिकेशन है, यह इसका एक खांचा है जो बताने के लिए काफी है कि सरकार की अपनी स्थिति कितनी नाजुक हो चली है। और जब सरकार ने तय किया है कि दीपावली के मौके पर इन सारी चीजों को बेच डाले और किसी तरीके से इससे निकल जाएं, तो फिर सरकार के हर उस निर्णय पर ध्यान दीजिए जहां वो कहती है इतना पैसा दे देंगे, इतना रोजगार दे देंगे, इस रूप में क्रिएट कर देंगे। जी नहीं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, सच यही है कि इस देश की आत्मनिर्भरता, जो इसके अपने औद्योगिक संस्थान जिसे हम लोग सार्वजनिक उपक्रम कहते हैं उस पे खड़ी हुई थी, जब उसी को बेचने की नौबत आ गई और उसी से पैसा लेकर अपने खर्चे निकालने का जिक्र हो रहा है, अपना खर्चा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सरकार के ऊपर एलिफेंट की तरह खर्चा है, जो संसद के भीतर लोग बैठे हैं, जो राज्यों में लोग बैठे हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन सबको वो खर्चा पानी देती रहेगी, तभी यह सिस्टम चलेगा, उसे पता है। इसीलिए सरकारी कर्मचारियों को जरा जरा सा चुग्गा देती रहती और कहती है कि अगर तुम पीएम केयर फंड में पैसा दो तो सब दे देते हैं, कौन नहीं देगा? कल नौकरी चली जाएगी, कल उसका सीआर खराब हो जाएगा, उसको नोटिस मिल जाएगा, कौन नहीं देगा? यानी सरकार अपने लिए, अपनी जिंदगी को सुखमय बनाए रखने के लिए, रईसी के साथ जीते हुए इस देश को एक ऐसी अंधेरी गुफा में ढकेलते हुए एक ऐसे सिस्टम को ला रही है जिस सिस्टम में सब कुछ बेचना है। और दीपावली का मौका है तो बेच डालो भारत को भी, वो भारत पेट्रोलियम हो सकता है, वो भारत अर्थ मूवर हो सकता है, बेच डालो इंडिया को, वो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो सकती है, वह एयर इंडिया भी हो सकती है, बेच डालो, कोई शर्म की बात नहीं। यह स्थिति इस देश की इकोनॉमिक सिचुएशन को संभाले हुए सरकार की है, जिसके दावे पता नहीं क्या क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।